डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चेहरे की झाइयों के बारे में बात करने वाले हैं। चेहरे की झाइयां हम सभी जानते हैं क्या होता है, और इसको अगर हम थोड़ा साइंटिफिक वर्ड्स की बात करें तो इसको आप मेलाज्मा भी कह सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन भी कह सकते हैं, ब्लेमिशेज भी कह सकते हैं, या चलोज्मा भी कह सकते हैं। दोस्तों, चेहरे की झाइयां ऐसे तो किसी को भी हो सकती है, मेल्स में, फीमेल्स में, या किसी भी एज ग्रुप में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम रूटीन में बात करें कि सबसे ज्यादा किसको होती है, तो देखा गया कि जो यंग फीमेल्स है, यानी वो महिलाएं जो कि यंग एज ग्रुप में है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, और अक्सर उनमें जो कि मैरिड लाइफ के अंदर है, उन लोगों के अंदर चेहरे की झाइयां जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बाकी मैंने बताया ये पुरुषों में भी हो सकता है और बाकी किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यंग एज ग्रुप की फीमेल्स के अंदर ये देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये कहां पर आपके बॉडी के कौन से पार्ट पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो आप जानते हैं कि जो चेहरे की झाइयां हैं, तो नेचुरली जैसा हम बता रहे हैं चेहरा, यानी आपके सबसे ज्यादा फेस पर ही इसके स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसकी भी मोस्ट कॉमन जो साइट है वो दोस्तों क्या देखने को मिलेगा कि आपके नाक पर आपको कुछ शेडो छाया सी बनी हुई देखने को मिलेगी, और नाक के दोनों तरफ आपके जो चीक्स, जो आपके गाल है, इन गालों का ये एरिया भी आपको कवर हुआ देखने को मिलेगा। कुछ केसेस के अंदर आपको जो आपका फोरहेड, यानी आपका जो ललाट है, यहां पर भी आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, काफी केसेस के अंदर जो है, हालांकि काफी कम देखने को मिलते हैं, लेकिन वो लोग जिनका सनलाइट यानी धूप में थोड़ा ज्यादा रहने का काम रहता है, तो उन लोगों के अंदर वो बॉडी के पार्ट्स यानी शरीर के वो हिस्से जो थोड़ा खुले रहते हैं, जहां धूप ज्यादा लगती है, वहां पर भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये किस तरह का दिखता है, तो जानते हैं हम कि चेहरे की झाइयां हैं या बॉडी के कोई स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेज हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो रूटीन की आपकी जो स्किन है, उसके बीच में कुछ धब्बे बन जाएंगे, कुछ स्पॉट बन जाएंगे, और ये स्पॉट थोड़ा गहरे कलर के होंगे, जो अक्सर डार्क ब्राउन यानी थोड़ा गहरा भूरे रंग के होंगे, या थोड़ा सा कालापन लिए हुए इस तरह के आपको स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी कारण की, क्या कारण होते हैं जिसके कारण की किसी को भी जो है ये ब्लेमिशेज हो सकते हैं, तो दोस्तों इनके अंदर जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिला है वो है हार्मोनल इम्बेलेंसेस, यानी वो महिलाएं जिनके अंदर बॉडी के अंदर कोई लाइफ में ऐसा फेज चल रहा है, या कोई ऐसे कारण से अगर उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का कोई चेंजेस अचानक आया है, तो उसके कारण ये देखने को मिलता है। यही कारण है मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की यंग फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उनमें ही सबसे ज्यादा आपको हार्मोनल चेंजेस या इस तरह की फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। जिसका दोस्तों सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी, यानी वो महिलाएं जिनको प्रेगनेंसी हुई है, उनको देखने को मिलेगा कि प्रेगनेंसी के टाइम या प्रेगनेंसी के बाद के अंदर जो है ज्यादातर केसेस के अंदर चेहरे पे झाइयां आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यह अच्छी बात यह भी है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम के ब्लेमिशेज होते हैं वो बॉडी के इंटरनल हार्मोनल चेंजेस से होते हैं, तो अक्सर वापस बॉडी जब धीरे धीरे वापस अपनी साइकिल सेट करती है, तो अगले 5-6 महीने के अंदर ये खुद ही क्लियर हो जाते हैं, और अक्सर आपको इसके अंदर ज्यादा कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, उसी तरह से आपको जो हार्मोनल इम्बेलेंसेज हैं, अगर फीमेल्स लाइफ की बात करें, तो कई बार जो मेनोपॉजल एज होती है उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है। और वो महिलाएं फीमेल्स जो कोई भी तरह की हार्मोनल पिल्स ले रही हैं, यानी कोई भी तरह की हार्मोन से रिलेटेड वो टेबलेट्स ले रही हैं, या कई बार कोई इस तरह की सिचुएशन उनकी बॉडी में हो सकती है जिसके कारण उनके डॉक्टर्स ने अगर उनको कोई भी तरह की हार्मोनल टेबलेट्स वगैरह प्रिस्क्राइब की है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और भी कई तरह की पिल्स और टेबलेट्स आती है, तो अगर इस तरह की आप कोई हार्मोनल पिल्स पे हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स के चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसके कारण भी आपके चेहरे पे ब्लेमिशेस या झाइयां आपको देखने को मिल सकती है। इसी तरह से वो फीमेल्स जिनके यूट्रस में अगर मतलब कोई तरह का आप कह सकते हैं डिस्टरबेंस है, यानी वो लेडी जिनको यूट्रस यानी बच्चेदानी जिसको हम रूटीन में बोलते हैं गर्भाशय, उससे संबंधित अगर कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, वो हैवी मेंसेस, हैवी ब्लीडिंग हो सकती है, और भी कोई तरह की अगर यूट्रस और ओवेरी से रिलेटेड कोई भी तरह का आपका आप कह सकते हैं कि डिसफंक्शन वहां का हो रहा है या कोई तरह की बीमारी है, तो उसके कारण भी आपको ब्लेमिशेस देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें तो वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री रही है, काफी केसेस के अंदर ये भी देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए कोई फीमेल है और उनकी मम्मी को अगर चेहरे पे झाइयां रही है, इस तरह के ब्लेमिशेज रहे हैं, तो ये काफी केसेस में ये भी देखने को मिलता है कि उनकी डॉटर्स के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये एनीमिया में भी देखने को मिल सकता है, यानी वो लोग जिनकी बॉडी के अंदर खून की कमी है, एनीमिया हम उसी को बोलते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए रूटीन की भाषा में, तो उसके कारण भी आपको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, वो लोग जो कोई तरह की
थायराइड से रिलेटेड कोई तरह की प्रॉब्लम है या थायराइड की मेडिसिन है, तो उसके कारण भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ग्लेमिसिस हो जाए। वो लोग जैसा मैंने शुरू में बताया कि वो लोग जो धूप में रहते हैं, मेल्स भी हो सकते हैं, फीमेल्स किसी में भी देखने को मिल सकता है, जिनका धूप से ज्यादा काम पड़ता है, सनलाइट में ज्यादा एक्सपोजर है, तो उनके अंदर भी कई बार ये देखने को मिल सकता है। इसी तरह से वो लोग जो कोई तरह की मेडिसिन, यानी अगर आपकी कोई तरह की मेडिसिन या दवाई चल रही है, तो उसके कारण भी एज ए साइड इफेक्ट आपको कई बार देखने को मिल सकता है। कुछ केसेस के अंदर दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी, यानी कि मानसिक तनाव में कई लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उसके कारण भी उनके ब्लेमिसेस डेवलप हो सकते हैं। ये मैंने आपके साथ कुछ मेन कोज और कारण है जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, जिससे आप समझ सकेंगे अगर आपको ब्लेमिसेस हुए तो इसमें से कौन सा कारण है, और अगर इसमें से कोई कारण है तो मैं एडवाइस करूंगा आपको अपने डॉक्टर साहब से मिलकर और प्रॉपरली डिस्कस करके जो रूट कोज है, जो कारण है, उसका आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जिससे जो मेन अगर कारण है उसको हम दूर करेंगे तो ब्लेमिसेस भी दूर हो जाएंगे। दोस्तों अगर हम रूटीन में बात करें कि हमारे जो चेहरे की झाइयां हैं, जो ब्लेमिसेस हैं, मेलाज्मा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, इसकी होम्योपैथी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है, तो आपके नॉलेज के लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों होम्योपैथी के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो आपके मेलाज्मा या जो चेहरे पे झाइयां है उसको दूर कर देती है। और मैं अगर मेडिसिन आपके साथ शेयर करूं तो दोस्तों सबसे अच्छी मेडिसिन है वो है बर्बेरी सेक्विफोलियम मदर टिंचर। दोस्तों बर्बेरी सेक्विफोलियम मदर टिंचर है, इसको आपको दिन में जो है कोशिश करें दिन में 3 बार लेने की, और अगर आप 3 बार नहीं ले सकते हैं तो कम से कम सुबह शाम दिन में 2 बार लें। और कोई भी मदर टिंचर को लेने का तरीका आप जानते हैं कि एक चाय पीने वाला जो कप होता है उसको क्लीन यानी धो के अलग से रख लें, उसमें आपको 10 बूंद इस मदर टिंचर की डालनी चाहिए। उस 10 बूंद के अंदर लगभग 1 कप आप पानी मिला लें जो हल्का ल्यूकवार्म हो, ठंडा पानी नहीं हो, हल्का सा गुनगुना पानी जो बोलते हैं वो मिक्स कर लें, और इसको सिप बाय सिप धीरे धीरे घूंट घूंट करके आपको सुबह शाम दिन में 2 बार लेना चाहिए, और अगर आप 3 बार ले सकते हैं तो दिन में 3 बार भी लेने की कोशिश करें। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन अगर बात करें इसमें कौन सी अच्छी मेडिसिन है, तो कोलोफाइलम। कोलोफाइलम मेडिसिन भी इसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, और पर्टिकुलरली ये मेडिसिन फीमेल्स में बहुत अच्छे वर्क करती है। वो फीमेल जिनमें कोई भी तरह का हार्मोनल इंबैलेंसेस है, किसी भी कारण से यूट्रस से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, और अगर उसके कारण इस तरह के आपके ब्लेमिसेस डेवलप हुए तो कोलोफाइलम उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और वहां पर कोलोफाइलम को आपको 30 पोटेंसी यानी 30 पावर में लिया जाना चाहिए, और इसको सुबह शाम दिन में 2 बार लेना चाहिए। दोस्तों पोटेंसी में है मेडिसिन कोलोफाइलम, तो नेचुरली इसकी आप 2 से 3 बूंद डायरेक्टली टंग यानी जीभ पे भी ले सकते हैं, या सुगर ग्लोब्यूल्स जो होम्योपैथिक होते हैं यानी दानों में भी मिक्स करके लिया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन जो इसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है वो है सीपिया, और सीपिया को मैंने देखा है कि 200 पोटेंसी में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देती है, और सीपिया को आपको वीक में सिर्फ 2 बार यूज करना चाहिए। मान लीजिए आपने एक डोज संडे को ले ली, तो नेक्स्ट डोज आप वेडनेसडे को ले लेंगे, यानी वीक में 2 बार और दिन में 1 बार, यानी संडे को 1 बार ले लिया, उसके बाद वेडनेसडे को 1 बार ले लिया, फिर आप संडे को वापस रिपीट कर लेंगे। इस तरह से सीपिया को लिया जाना चाहिए, और ये भी पोटेंसी है 200 पावर में, तो इसकी आप 2 बूंद जो है डायरेक्टली टंग जी पे ले सकते हैं या सुगर ग्लोब्यूल्स में मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये मेडिसिंस थी जो ज्यादातर केसेस के अंदर मैंने मेरे एक्सपीरियंस से देखा है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा भी कुछ दूसरी मेडिसिंस हो सकती है जो एज पर नीड और सिम्टम्स आपके डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई खाने के लिए मेडिसिंस। अब उसके बाद जब भी कोई फेस की या क्रीम वगैरह की जो है बात आई जाती है कि डॉक्टर साहब फेस पे लगाएं क्या, देखिए ये जो प्रॉब्लम है, हालांकि मैंने आपको बताया कि इंटरनल है, आपके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे हार्मोन से रिलेटेड या सन एक्सपोजर से के कारण, तो उसके कारण हुई, तो नेचुरली जो आप मेडिसिंस लेंगे वही मेडिसिंस आपके लिए बेस्ट वर्क करेगी। लेकिन हाँ, आप कुछ मेडिसिंस है जिसको कि आप प्रिपरेशंस को अगर फेस पे लगाते हैं तो बिल्कुल सेफ है, और वो भी आपके फेस को क्लियर करने में मदद करेगी। दोस्तों इसमें भी सबसे अच्छा जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक प्रिपरेशन है, वो बर्बेरी सेक्विफोलियम मदर टिंचर ही है। दोस्तों बर्बेरी सेक्विफोलियम को लगाने के लिए 2 तरीका है आपको, जो सबसे अच्छा है मैं रिकमेंड करूंगा कि बर्बेरी सेक्विफोलियम जो आप खाने के लिए, जो पीने के लिए आपने यूज किया था उसी को यूज करना है। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा रोज वाटर जिसको हम गुलाब जल कहते हैं वो ले लीजिए, और गुलाब जल के अंदर उतनी मात्रा के अंदर, मान लीजिए आपने 2 चम्मच गुलाब जल लिया, तो उसमें आप 2 चम्मच ही बर्बेरी सेक्विफोलियम मदर टिंचर मिक्स कर लीजिए, इनको इक्वल यानी बराबर क्वांटिटी में मिक्स कर लीजिए, और इसके दिन में 2 बार आप सुबह और शाम जब वो मिक्स हो गया है बराबर मात्रा में, तो अपने फेस पे कॉटन यानी रुई से उसको आप अच्छी तरह से लगा लें। ये धीरे धीरे आपके जो फेस है उसको और क्लियर करने में मदद करेगा, और आप देखेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, जो ब्लेमिशेस थी, झाइयां थी, ये धीरे धीरे जो है लाइट यानी हल्की होने लगेगी, और बाकी आप मेडिसिन लेंगे तो ज्यादातर केसेज में से ठीक हो जाता है। और बहुत से लोग जो है अगर इसको यूज नहीं करना चाहते तो बर्बेरी सेक्विफोलियम की काफी क्रीम्स भी आती है अलग अलग नाम से मार्केट के अंदर, अलग अलग कंपनीज की, उनको भी यूज किया जा सकता है।
दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि झाइयां क्यों होती है और क्या उसका बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। और मैंने मेरी क्लिनिक पे देखा है कि ब्लेमिशेस में अगर आप अपने डॉक्टर के गाइडेंस में प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते झाइयां है, थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा, अगर आप पेशेंस कंटिन्यूटी रखेंगे, डॉक्टर के गाइडेंस में रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।